जी हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी अपडेट जान लेते हैं। आपको बता दें कि जहां पर मौत के बाद बयान लेना सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही कर दिखाया है जहां पर सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है। खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भोपाल से निकल कर आ रही है, जहाँ पर सिवनी जिले की एक महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते 3 साल पहले शादी की थी। इसके बाद उनके मायके वाले लगातार परेशान कर रहे थे। इन सभी से परेशान होकर उन्होंने पीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दी और इसके बाद उनकी मौत हो गई। अब लगभग इसके 3 साल बाद पीएम हेल्पलाइन ने उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर ट्रांसफ़र कर दी और इसके बाद अब वे महिला के घर पर पहुंचे, जहां पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। अब उन्होंने मामले में खात्मा लगा दिया। इधर पीएम हेल्पलाइन और सीएम हेल्पलाइन की ओर से पुलिस रिपोर्ट के आधार पर केस बंद कर लिखा कि शिकायतकर्ता संतुष्ट है और अपनी शिकायत बंद कराना चाहती है, लेकिन जब इसकी पड़ताल की तो लगा कि ये फ्रॉड है। पता चला कि महिला की तो पहले ही मौत हो चुकी है। बयान किसके दिए गए, अब इसकी मामले की जांच की जा रही है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।